नमस्कार बंधुगण, सद्मार्ग संस्कार धर्मी अनुचिंतामूलक संसार को परिवर्तन कला बेलू संसार भितर जीवन सत्ता को आम कि भाव खोजा तार संधान करिबा ताकु आधार करी एक छोटिया प्रयास टीए। माटी थिले घास कोणे, शरीर थिले रोग हुए, परिवार थिले मतांतर होइथाय। हेले एहाकु मतांतर न भाबी उत्तम बुझामणा करी आनंदरे मिलीमिशी चलिले एहाकु संसार कहुजाय। तेबे बंधुगण, आज आमे रखिछु एही संस्कारधर्मी अनुचिंतारे मिथ्या मृत्युर भयकु किपरि दूर करिथाय। तेबे बंधुगण, मरिबा कथा समस्तंक हृदयरे भय संचार करे। सामना करिबा त दूरर कथा, से विषयरे चिंता करिया पई मध्ये आमे कुंठाबोध करू। असलरे परमेश्वरंकर अमृतमय सृष्टिरे मृत्युर अस्तित्व असंभव होइथाय। मात्र एहा एक प्रहेलिका, साधारण अनुभवरे एहा नित्य प्रतिदिन चारिपाखरे घटुथुवा प्रतीत हुए। मात्र एथिरे टिकिए हेले सत्यता नथाय। बंधुगण, गोटिए छोटिया कहानी माध्यमरे मु आपण मानक पाखरे उपस्थापना करुचु एही संस्कार अनुचिंताटी। एकदा अंधार सूर्यंक विरुद्धरे ईश्वरंक पाखरे अभिजोग कला। बिना कोनोसी अपराधरे क्यों अनादिकालरु दिनबंधु मो सह शत्रु भळी आचरण करुछंती, से मते टिके शांतिरे केउठी रखै दियंती नाही। जेउठी थिले बि से आसिबा क्षणी मते मो आश्रय स्थळरु बलपूर्वक हटै दियंती। आपणक दृष्टिरे मोर मध्य स्वाधीन एवं भयशून्य अस्तित्वर अधिकार रहिछि। ए सबु सुणी भगवान सूर्यंकु डाकी तांक विरुद्धरे आसीथिबा अभिजोग विषयरे जवाब लडिले। अत्यंत आश्चर्यजनित होइ भास्कर उत्तर देले, प्रभु मु अनंत कालर विश्व ब्रह्मांड परिक्रमा करुछि, मात्र केबे केउठी अंधार को देखि नाही। तथापि जदि अजाणतरे मोर किछि त्रुटि भूल होइथाय, तेबे मु आपणंक निकटकु तांकु डाकंतु, मु निस्वार्थ क्षमा पई प्रस्तुत अछि। जुग जुग बीती जाइथिले भी आज पर्यंत सूर्य एवं अंधार भितरे भेट होइ पारि नाही। अंधारर नाही कोनोसी निजस्व अस्तित्व, यहा केवल मात्र आलोकर आत्यंतिक अभाव अवस्था। समग्र सृष्टि भल मंद, पाप पुण्य उत्थान पतन भली विपरीत धर्मी तत्वर समष्टि प्रतीक होउथिले मध्य एहा केवल विधायक शक्ति एवं व्यवस्थार समाहार होइथाय। तेबे बंधुगण, एठी मु आपणंकु आउ गोटे सुंदर छटिया उदाहरण माध्यमरे एहार तात्पर्यताकु आपण मानक निकटरे निभाइ दोउछि। सिनेमा घरर बाहर कांथकु घंटा घंटा धरि आउजि बसिथिबा व्यक्ति भितरे चालुथिबा चलचित्र अनुभूतिकु अनुभव करिपारे नाही। निजकु देह आउ मन भितरे सीमित रखुथिबा कारणरु आमकु प्राय केबे स्पष्ट हुएनि प्रकृत जीवनर बोध। एही अभावबोधता ही मृत्युर भ्रम सृष्टि करे। शुष्क कठिन एवं निर्जीव परि प्रतीत होउथवा प्रतिटि जीवरे लुचि रहिथाय जीवनर अत्यंत संभावना। मंजीर उपर आवरण भांगी नष्ट होइगले अंकुराद्गम संभव हुए। ठीक सेहिपरि बंधुगण, देहाभिमान एवं मिथ्या अहंकार नष्ट होबा क्षणी अनुभव हुए जीवनर चिरंतन एवं शाश्वत स्रोत। एक क्षीण आलोकर शिखाराशि घन अंधकार को चिरी पकाई लापरि जीवनर सामान्यतम अभ्यास
जन्म जन्मांतर मिथ्या मृत्युर भय को दूर करिपारिथाय। तेणु बंधुगण संसार रे आम किछि भी अनीति अन्याय अत्याचार मिथ्या रूपक संसार रो बा भ्रम को आमे सत्य बा आलोकर माध्यम रे ताकु परिवर्तन करि पाडिबा, अर्थात आमे अंधार को दूर करि पारिबा एवं जीवन रो अंधार रूपक आलोक को आमे देखि नूतन जीवन पंचिबार राह को सृष्टि करि पारिबा एवं सत्मार्ग सत्कर्म माध्यम रे ही ए सबु संभवपर होई परिबो। तेबे बंधुगण जदि मोर एई अनुचिंताटी क्षुद्र गल्प रूपक संस्कार धर्मी कि आपणक हृदय रे छुईला परी अनुभव होउछि बा हृदयंगम कले तेबे सुनिश्चित भाव रे